देख रहे हो भाई, बहुत ज्यादा ड्रॉप देखने को मिल रहे हैं अभी इसके अंदर। तो और मेरे भाइयों, क्या हालचाल है यार। तर आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ वापिस। और आज की वीडियो में इस छोटू का बीजीएम टेस्ट मैं करने वाला हूँ। ये है आईफोन 12 मिनी और इसको ना मैंने फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन डे सेल में खरीदा 35,000 रुपीस का। लेकिन हम देखने वाले हैं कि भाई इस छोटू की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो एप्पल का A14 वाले चिपसेट देखने को मिलता है। भाई ये ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला है। साइज में सिर्फ छोटा, लेकिन परफॉर्मेंस, कैमरास वगैरह, जो ओवरऑल सारी चीजें ना वो काफी ज्यादा तगड़ी इसके अंदर देखने को मिलती है। तो भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है आप सभी को आज की इस वीडियो के अंदर। और भाई अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है ना, तो जरूर से आप इस वाले वीडियो को लाइक कर सकते हो। ऐसे अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मार लो भाई। सिलेक्ट सब्सक्राइबर हमको चैनल के ऊपर फटाफट से करवाने हैं। अभी हम बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो भाई देखो, ये स्मार्टफोन ब्लू कलर के अंदर है मेरे पास। और भाई साइज देखो इसका कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। वन हैंड यूज के लिए ना एकदम परफेक्ट स्मार्टफोन है। 13 प्रो मैक्स है मेरे पास। 13 प्रो मैक्स के मुकाबले में देखो भाई इसका साइज कितना सा लग रहा है। अभी फटाफट से हम इसकी स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो जो भी सारी स्पेक्स है ना वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। इसके अंदर एक एप्पल का A14 वाले चिपसेट देखने को मिलता है। एक सुपर रेटिना एचडीआर ओएलईडी डिस्प्ले है 60Hz का। साथ में भाई जो इसकी बैटरी कैपेसिटी है वो 2227mAh की है, 2227mAh। और चार्जिंग की बात करते हैं तो 20W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर कोई भी चार्जर सपोर्ट नहीं करता भाई। 64GB वाला वेरिएंट मेरे पास है और इसको मैंने बिग बिलियन डे सेल के अंदर 35,000 रुपीस का परचेज कराया। रेगुलर प्राइस जो चलता है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। तो ये सारी स्पेक्स की बात हो गई। बाकी भाई जो फोन है ना उसको यहाँ पे मैंने 100% चार्ज करा हुआ है। एंड में देखेंगे कितना परसेंट बैटरी ड्रॉप करेगा। वॉल्यूम को मैक्स रखने वाले हैं, साथ में ब्राइटनेस को भी मैक्स रखने वाले हैं। ट्रू टोन और नाइट शिफ्ट वगैरह सब ऑफ है। और अभी हम बीजीएम को चालू कर लेते हैं फटाफट से। तो भाई देखो, सबसे पहले इसकी ग्राफिक सेटिंग्स में आपको दिखाऊं तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम को ये सपोर्ट करता है और ये HDR तक एक्सट्रीम रहता है भाई। और साथ में अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा के ऊपर भी आप खेल सकते हो। फिलहाल हम रखने वाले हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की सेटिंग्स के ऊपर और देखेंगे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले इसकी ग्राफिक सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग्स अनेबल देखने को मिलती है, जो कि HDR तक एक्सट्रीम जाता है और अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा पे भी चला देता है भाई। तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। बाकी फिलहाल तो हम इसको इसकी स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की सेटिंग्स पे रख रहे हैं। तो भाई सबसे पहले इसके अंदर हम एक अरीना ट्रेनिंग का मैच करके देख रहे हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग्स पे। सबसे पहले जायरोस्कोप सेंसर की बात करें तो देखो एकदम प्यारा मस्त जायरोस्कोप सेंसर इसके अंदर देखने को मिलता है। हमारी टीम से खेल रहे हो, उसकी टीम से, उसके खिलाफ ही TPP ले रहे हो। अरे ब्राइटनेस ड्रॉप हो गई भाई इसमें, इसमें कद्दू दिख रहा है। तो भाई पहला मैच तो कंप्लीट हो गया और इसने ना पहले TDM के मैच के अंदर ब्राइटनेस ड्रॉप कर लिया है। परफॉर्मेंस में कोई भी डिप हमको देखने को नहीं मिला, एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस मिली है। लेकिन थोड़ा सा हार्ड है भाई इस वाले साइज के ऊपर खेलना, क्योंकि जो दो हाथ रखते हैं ना मैच करके उसमें भाई पूरा फोन ढक जाता है। तो थोड़ा सा हाथ सेट करने में देरी लग सकती है और थोड़ा सा गेम प्ले भी खराब हो सकता है अगर आप ये वाला फोन लोगे तो। अभी भाई हमने जस्ट एक मैच खेला, उसका टेम्परेचर देखो 41 डिग्री तक पहुंच गया है। बाकी नेक्स्ट मैच अभी हमने इसके अंदर एक रेंगल का स्टार्ट करा, सेटिंग्स वही रखी हुई है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की। भाई यार यहीं कूदा दिया इन्होंने, यहाँ कूदना भी नहीं था मेरे को। बट जंप करते में देखो फ्रेम ड्रॉप वगैरह तो कुछ भी देखने को नहीं मिले। अरे थोड़ा बहुत अटक रहा है अभी। चल बेटे ठिल गए बे। ये मौत का तमाशा और देखने चले गया मैं डेथ रिप्ले।
तो भाई देखो अभी एक रैकल का मैच भी कंप्लीट हो गया है। इस वाले मैच के अंदर थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप वगैरह हमको देखने को मिले, जंप वगैरह करते हमें नहीं थे, लेकिन वो बीच फाइट में थे क्योंकि भाई अभी ना फोन काफी ज्यादा हीट हो गया है। एक बार फटाफट से मैं इसका टेम्परेचर चेक करके बताता हूँ। भाई फ्रंट से ऑलमोस्ट 40 डिग्री टच है, 39.7 चल रहा है, 40.9 है भाई बैक से, ऑलमोस्ट 41 डिग्री कह सकते हो। तो यस भाई थोड़ी बहुत हीटिंग वगैरह तो हमको फोन के अंदर देखने को मिल रही है, ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा ड्रॉप हो गया भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है स्क्रीन के अंदर। तो बाकी अगले जो मैच हम करने वाले हैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ करेंगे, ताकि भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कुछ तो दिखे, कैमरे के ऊपर दिख नहीं रहा है क्योंकि सेटिंग्स बार हम और अप करके देखने वाले हैं। HDR प्लस एक्सट्रीम पे खेलेंगे ये रैंगल का मैच। ये हो गई HDR प्लस एक्सट्रीम और विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग। चलो भाई जंप करते हैं, देखते हैं। ड्रॉप अभी भी कोई नहीं था मैक्स सेटिंग के ऊपर भी। ओ भाई ये देखो, ये देखो, देख रहे हो अटक रहा है भाई मैक्स सेटिंग के ऊपर था फुल। घट गए हैं भाई FPS तो 60। अरे रे चूरा नहीं पड़ गए। तो अभी एक रैंगल का मैच भी हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे देखो भाई काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिल रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू और मैक्स सेटिंग हमने कर दिया ना। तो अभी हम फटाफट से एक TDM का मैच स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं पे देखते हैं TDM में कैसा चलेगा। सेटिंग्स तो देखो बढ़िया आप हुई है भाई, टेक्सचर वेक्चर और शेडोज वगैरह पूरी है। सबसे पहला मारा देख रहे हो भाई, बहुत ज्यादा ड्रॉप देखने को मिल रहे हैं अभी इसके अंदर। देखा देखा भाई, अब ये कसम से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है फोन, बिल्कुल नहीं संभाल पा रहा। अब बोलो भाई कौन कहता है आईफोन ड्रॉप नहीं होता। देखो भाई ये वाला नोटिफिकेशन भी आ गया इसके अंदर, लोअर ग्राफिक सेटिंग इंप्रूव योर गेम प्ले स्मूथनेस। तो फाइनली भाई इसके अंदर हमारा मैक्स सेटिंग के ऊपर मैच कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी चालू रखी हुई थी और फ्रेम ड्रॉप आपने देखे होंगे भाई, बिल्कुल अटक अटक के चला रहा था गेम, जो 60 FPS था वो अटक के 25 to 30 FPS तक आ गया था भाई। तो काफी ज्यादा ड्रॉप यहाँ पे हमको देखने को मिला मैक्स सेटिंग के ऊपर, वो इसलिए भाई एक तो फोन छोटा है, इसके अंदर भाई कोई कूलिंग के लिए सिस्टम नहीं है तो हीट हो जाता है, उसके बाद भाई काफी सारे फ्रेम ड्रॉप इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो भाई मैक्स सेटिंग की जो परफॉर्मेंस है उतनी ज्यादा कुछ खास तो नहीं थी, लेकिन जो स्मूथ सेटिंग वो काफी ज्यादा बढ़िया रही है। बाकी भाई अभी हमको 48 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, तो हम टेस्ट को इतना ही रखने वाले हैं। यहीं पे स्टॉपवॉच को स्टॉप करके फेंक देते हैं कोने में कू। फेंक दे कोने में कू। तो देखो भाई होम स्क्रीन के ऊपर हम अभी आ गए हैं। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो देखो 69% बैटरी इसके अंदर अभी भी बची हुई है। तो ऑलमोस्ट हमने 50 मिनट की गेमिंग इसके अंदर करी और उसके बाद जो ड्रॉप था ना वो 31% का देखने को मिला है। जो बैटरी कैपेसिटी है ना छोटी सी सुनने में लगती है, बस भाई चलती काफी ऐसा ही है। एक घंटे के हिसाब से भाई ठीक है 30% ड्रॉप BGMI के अंदर, क्योंकि हमने मैक्स सेटिंग के ऊपर भी खेला और स्मूथ सेटिंग के ऊपर भी मैच खेला है। लेकिन भाई बात करें परफॉर्मेंस की, तो जो स्मूथ सेटिंग की परफॉर्मेंस थी ना वो तो काफी हद तक मेरे को बढ़िया देखने को मिली है। जंप वगैरह करते हैं कोई भी फ्रेम ड्रॉप वगैरह हमको देखने को नहीं मिला, जब हमने फाइट वगैरह करी थी वहां पे भी कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स हमको देखने को नहीं मिला, लेकिन जैसे हम मैक्स सेटिंग के ऊपर गए ना तो मैक्स सेटिंग के ऊपर काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स हमको देखने को मिले, क्योंकि वहां पे हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी चालू रखी हुई थी ना। तो भाई ये वाला जो फोन है ना प्रॉपर गेमिंग के लिए नहीं मैं इसको कह सकता, जो नॉर्मल आपका काम वगैरह होता है ना कैमरा यूजेज वगैरह ज्यादा रहता है तो उसके लिए भाई ये बेस्ट फोन है, मतलब कि प्रोफेशनल वर्क के लिए ज्यादा है, गेमिंग के लिए नहीं है। क्योंकि भाई अगर आप इसके अंदर स्मूथ सेटिंग के ऊपर भी गेमिंग करोगे ना थोड़ी ज्यादा देर के लिए तो भाई हीटिंग ऑफकोर्स इसके अंदर देखने को मिलेगी और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप्स भी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो स्मूथ सेटिंग हो चाहे वो मैक्स सेटिंग हो। तो 12 मिनी ना मेरी तरफ से उतना हाईली रिकमेंडेड नहीं रहने वाला है गेमिंग के लिए। बाकी यार आज वाली वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही बताना था, बैकग्राउंड से काफी ज्यादा शोर हो रहा, तो फटाफट से वीडियो को खत्म कर लेते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो जरूर से आप इस वाले वीडियो को लाइक कर सकते हो और ऐसे अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब मारो। बाकी 12 मिनी वगैरह का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो कौन से फोन के साथ देखना चाहते हो वो भी जरूर से बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे और कमाल की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।